मेरे साथ मेरा एक दोस्त है और चल बाप है और एक अच्छे गाँव में 70-80 लोग जा रहे हैं चल बाप एक फंक्शन था जहाँ पे हमें इनवाइट किया गया था वहाँ पे जा रहे हैं और इस वक्त हम कैंड में बैठे हैं और मेरे साथ गुरुज जी भी है और हमारे चाचा जान और उनके अलावा एक और चाचा जान और आगे सभी कुछ ऐसे है उधर पहुंच के मुलाकात होगी आपसे क्योंकि रास्ते में भी काफ़ी लंबा रास्ता है और रास्ता थोड़ा सा खराब भी आ गई तो इंशाल्लाह उधर पहुंच करते हैं और ये मेरे फ्रेंड है इधर हामिद जान साहब और मेरे साथ उस्मान चांदी सोना साहब तो नाल साडा ब्लॉगिंग वाला सेटअप भी चले है जब जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारा बहुत वार्मली वेलकम किया गया बहुत अच्छे तरीके से फूलों के साथ इस्तकबाल किया गया बहुत कैमरामैन्स थे वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गुलछरे उड़ाए गए काफ़ी अच्छा इंतज़ाम था इंजॉय किया इस माहौल को हमने जनाब साहब इस सारे मनोरंजन के बाद हमें घोड़ों का डांस भी देखने को मिला जो कि काफ़ी अच्छा था इंजॉय किया उसे भी देखिए आप ये पुल सरात है तो चल के देखूंगा तो आने वाले इस वक्त गुन्ना कला से तमाम जब तमाम हजरात अपनी अपनी सीट्स पे बैठ चुके थे तो कुछ गुलुकार भी उन्होंने बुलाए हुए थे जिन्होंने काफी अच्छी कवाली पढ़ी और लोगों ने काफी इंजॉय किया उसे कभी दीदार ही थी है कभी दरकांप जाता है अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है अली ही नूह याद करो अली ही नूह याद करो अली ही नूह तो तमाम हजरात को खाना परोस दिया गया वेटर्स की तरफ से खाना काफ़ी देसी तरीके था का था जिसमें काफ़ी देसी चीज़ें थी पुराने रवाज वाली तो स्टेज सेक्रेटरी साहब अभी स्टेज पे थे लोग तकरीरें कर रहे थे उतने में किसी ने ये कह दिया रोटी खोल दे शफीक अहमद आज के मेहमान खसूसी जनाब खाना नसीब साहब को
نہیں عباس کی طرف سے ان کی فیملی کی طرف سے حسین کی طرف سے ہیگلی کی طرف سے یادگار سویلیت دیا جا رہا ہے تو ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد ہم نکل چکے ہیں گھر کی طرف اور کافی زیادہ رش تھا تو بس پھر فنکشن ختم تو ویڈیو بھی ختم انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا اللہ حافظ